नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया, आपके साथ स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज में। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में पहुंचकर छत्तीसगढ़ के सीएम से मिलकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर दोनों ने एक साथ गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद दिया और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह की शुरुआत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। गाजियाबाद के होमगार्ड का दबंगों को रोकना भारी पड़ गया। मारुति गाड़ी में सवार दबंगों ने गाड़ी से उतरकर सिपाही के डंडे से होमगार्ड को पीटना शुरू कर दिया, जबकि ट्रैफिक पुलिस के एसआई भी वहां पे मौजूद थे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक के एसआई ने होमगार्ड को बचाने की कोशिश तक नहीं की और दबंग होमगार्ड की पिटाई कर मौके से फरार हो गए। रामपुर के थाना क्षेत्र में दो अलग अलग बार के अधिवक्ताओं के बीच उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया। सीनियर बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर अवैध असलाह से लैस होकर बार वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसके चलते तहसील परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठा और अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में घुसकर अपनी जान बचाई। पुलिस की सूचना मिलते ही आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गए और पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब पुलिस ने अधिवक्ता की ओर से आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो जिलाधिकारी फतेहपुर जो ये कदम चल रहा है बहुत सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है। सबसे पहले हम लोग जब बोला गया व्यापारी हम लोग भी थे, सीएम साहब से बात किया, हम लोग दुकानें तोड़ी, मकान गिराए, आज हम लोग का व्यापार अच्छा चल रहा। तब व्यापार मंडल कहाँ था? आज उनके साथ हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। जो जिलाधिकारी साहब काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है, बहुत जो हुआ है बहुत अच्छा काम। तो क्या ये जो व्यापार मंडल आज उतरा है किसी राजनीति के तहत उतरा है क्या? बिल्कुल, ये रहा, इनको पहले आना चाहिए था, इनको पहले आना चाहिए था, अभी तक ये कहा चौक व्यापारी और व्यापारी नेता आज जब उनके अपने ऊपर पड़ी है तो उनको व्यापार मंडल, व्यापार हित, अतिक्रमण सब कुछ याद आ गया है। जब यही पूरे शहर में सब चल रहा था, बाकी व्यापारियों के साथ उनकी दुकानों के तोड़ हो गए, तब कोई भी व्यापारी नेता सामने नहीं आया। यहाँ पर 16 मीटर रोड तोड़ी गई, उसमें व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, तब कहाँ थे ये नेता? तब क्या व्यापारी हित और व्यापार नहीं समझ में आ रहा था? क्या ये व्यापार नहीं है? क्या ये क्षेत्र व्यापारियों से बाहर है? आज क्यों ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सहित दो लोगों की मौत पर सपा नेता आजम खान ने कहा कि दो मौतें हुई हैं, जिसमें इंस्पेक्टर और एक आमजन की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच करेगी तो उसे ये भी जांच करनी चाहिए कि आखिर इस कातिले एतराज गोश्त को यहां लाया कौन था या इसने ये काम किया किसने था, और इन सारी भीड़ में कोई शख्स ऐसा नहीं है और जो अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। यह विवाद बहुत खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता है। आजम खान ने कहा कि मृतक इंस्पेक्टर अखलाक लॉन्चिंग केस में आईओ रह चुके हैं, इसीलिए एसआईटी की जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है। दो मौतें हुई है, एक इंस्पेक्टर की हुई है और एक आमजन की हुई है, और जो बात सुनने में आ रही है उसको मैं जुबान से कहूंगा तब भी माहौल खराब होगा। एसआईटी जांच अगर करेगी तो उसे ये जांच भी करना चाहिए कि आखिर इस काबिले इतराज गोश्त को यहाँ लाया कौन था या ये काम किया किसने था, क्योंकि वहां तो दूर दूर तक भी अकलियती फिरके की आबादी नहीं है और इस सारी भीड़ में भी कोई शख्स ऐसा नहीं है और अभी तक कोई ऐसा सुराग भी नहीं है, क्योंकि इज्तिमा से लोग लौट रहे थे और ये विवाद को बहुत खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता था। तो हो सकता है ये विवाद भी काम का हो जाता। कहा जा रहा है कि अखलाक मर्डर केस में ये गवाह थे, आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे,
तब तो एसआईटी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। एसआईटी की जिम्मेदारी में वो वीडियो जो वायरल हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं उन लोगों से भी पूछताछ होना चाहिए जिन्होंने आईओ की और इंस्पेक्टर की शनाख्त की है, पहचाना है कि ये वही है। अब एसआईटी के बारे में तो कोई बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता कितनी उसकी प्रमाणिकता है, यही पुलिस के अफसरान उसमें होते हैं, यही सीबीआई में जाते हैं। अब इन जांच एजेंसियों का जो हश्र हुआ है वो किसी से छुपा तो है नहीं, अब कैसे ये कह दिया जाए कि एसआईटी की जांच भी निष्पक्ष होगी। तंबौर थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता से गुरुवार को छेड़छाड़ की शिकायत थाना और सीओ भिंसुआ से की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी से मनगढ़ होकर सगे भाई ने सुबह करीब 10 बजे गांव के बाहर विवाहिता को गन्ने के खेत में घसीटकर आग के हवाले कर दिया। गंभीर अवस्था में मायके पर पहुंची 20 वर्षीय विवाहिता को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था। तूल पकड़ते मामले को डीजीपी ने संज्ञान में लिया। इसी के बाद आईजी रेंज लखनऊ सुजीत पांडे करीब 11:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे। मौके पर ही पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यवाही न कर लापरवाही बरतने के मामले में तंबौर थाना अध्यक्ष और सीओ बिंसुआ को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही आरोपित राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से तहरीर और अगर पुलिस जांचती तो क्या एक घटना से बचा जा सकता था? हाँ, बचा जा सकता था। यह लैप्स है थाना लेवल पर और इसीलिए एसओ को निलंबित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। अब इसमें और लोगों की भूमिका मैं देखूंगा कि क्या है, यही मुझे निर्देश भी है। और जिस जो जो जिस भी लेवल पर जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है घटना, इसके अंदर काफ़ी जहां हम लोग समझ रहे थे, इसके और अंदर जब आप जाएंगे तो मिट्टी के तेल की स्मेल है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग और उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि वहाँ घटना हुई हो, बिकॉज वहाँ कुछ स्ट्रगल के भी साइन दिख रहे हैं। गन्ना गिरा हुआ है और मिट्टी के तेल का निशान है, तो वही मैं ढूंढ भी रहा था और वह मिल गया है। तो घटना जितने गांव वालों से बात हुई है और सब कुछ है, जो तहरीर दी गई है वो सही है और हमारी कोशिश होगी कि एक गिरफ्तारी है, दूसरी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाए और अगर जितने एविडेंस मिल रहे हैं उस पर जितनी जल्दी हो सके फिर एनएसए की भी कार्रवाई की जाए अभियुक्तों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। दरअसल थाना मतनापुर निवासी राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर शाहजहांपुर के एसपी ऑफिस गया था। उनका कहना है कि 2 दिन पहले उसने भाइयों के और उसके पत्नी के साथ मारपीट की और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ रेप करने की भी कोशिश की, जिसकी शिकायत को लेकर वो एसपी ऑफिस कई बार आ चुका है लेकिन उसकी पुलिस एक भी नहीं सुन रही थी, जिसको लेकर वो फिर एसपी एस चिनप्पा से मुलाकात करने के लिए आया था लेकिन एसपी से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद सीओ सदर बंदेव सिंह खनेड़ा ने भी उसे धुतकार कर भगा दिया, जिसकी वजह से वो पानी की टंकी पर चढ़ गया और अपनी पत्नी के साथ कई अभद्रता और छेड़छाड़ के मामले को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद सीओ बलदेव सिंह खनेड़ा अपने दल के साथ मौके पर पहुंच गया और आनंद फानन में पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया। राजकुमार गुप्ता, तो ये यहाँ पर टंकी में क्यों चढ़े, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ साहब, मुझे यहाँ यहाँ स्टेडियम के पास छोड़ गए, अपना आके चढ़ गए, वहाँ ऐसा साहब सुनते ही नहीं भगा देते, सीओ साहब सुनते ही नहीं भगा देते। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, घर वाले हमारे जेठ हैं, उसमें चचिया ससुर हैं, सब मारते पीटते हैं और भगा देते हैं, कहते हैं इन्हें मार डालना चाहते हैं। छेड़छाड़ की गई थी, छेड़छाड़ की आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी रिपोर्ट दर्ज कराई, वहाँ सीओ साहब ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, भगा दिया। तरह से उसको मारा गया। देखिए ऐसा है कि इनका ये राजकुमार है, इसका अपने सगे भाई से, इनके पिताजी की डेथ हो गई है और दो भाई हैं, इनकी दुकान है, इनमें आपस में ये बात आई थी कि लोग इनका बड़ा भाई इनके गाली गलौज कर रहा है, तो हमने इस बात को कहा कि गाली गलौज के मामले में इनके भाई को बुला के और इनको बुला के थाने में समझा दिया गया था इनके परिवार के लोगों को कि भाई गाली गलौज ना करो, ये लोग कल मान गए थे। फिर आज न जाने क्या हुआ, इसने फिर आया कि साहब दोबारा से गाली गलौज कर रहा था, तो हमने कहा तहरीर दीजिए, फिर ये बिना तहरीर दिए यहाँ आकर के चढ़ गए थे। अब समझा दिया गया है, हमने कहा आप तहरीर दीजिए, मुकदमा लिख दिया जाएगा, जो आप गाली गलौज का कह रहे हैं ये होता है। विश्व विकलांग दिवस मनाने की परंपरा 1991 से चली आ रही है। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन और आदर्श कल्याण समिति ने
OCF रामलीला मैदान में दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार दिव्यांगों की हर संभव मदद कर रही है। ये बात प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और आदर्श कल्याण के आयोजित कार्यक्रम OCF रामलीला मैदान में कही। मंत्री ने 25 दिव्यांगों को अपने हाथों से कम्बल बांटे और जिलाधिकारी की टीम, उप जिलाधिकारी सदर रामजी मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने अपने हाथों से दिव्यांगों को कंबल दिए। आदर्श विकलांग कल्याण संस्थान की ओर से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं इस संस्थान को बधाई देता हूं, मुख्य रूप से श्री हरि किशन वाजपेयी जी को और श्री नीरज वाजपेयी जी को, जिन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया और हमारे जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी लोगों ने इसमें भरसक सहयोग किया। जैसा कि मैंने कहा कि माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है तब से 200 रुपए पेंशन में इजाफा कर दिया गया और पेंशन की प्रक्रिया आसान कर दी गई। 5-5, 6-6 महीने लगते थे इन लोगों की पेंशन बनने में, अब 1 महीने में इन लोगों को पेंशन का प्रमाण पत्र मिल जाता है और उसके बाद इनकी पेंशन चालू हो जाती है। साथ ही साथ हमने आरक्षण में भी 1% का इजाफा किया है। अभी तक जो 3% का आरक्षण दिया जाता था उसको 4% किया गया। ये भी इन लोगों के लिए एक राहत देने वाली बात, एक खुशी की बात है कि अभी इनका उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो। इसके अतिरिक्त जो भी 2011 की सूची में जो विकलांग जन हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उन लोगों को तो आवास मिल रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों का नाम किसी के किन्हीं कारणों से उसमें नहीं आ पाया, उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जाएगा, उन लोगों को शौचालय की व्यवस्था भी उन लोगों के लिए की जाएगी। सोनभद्र के जिला काजगार गुरमा में भिखारी बाबा के सौजन्य से गरीब बांदियों को अपर जिला कलेक्टर उमाकांत तिवारी और पुलिस अधीक्षक अरुण दीक्षित की उपस्थिति में 500 गर्म कंबल बांटे गए। कंबल पाकर गरीब बांदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। हम आपको बता दें कि जिला कारागार गुरमा में जिला अधीक्षक मिजाजी लाल यादव ने अब तक कई समाज सेवी संस्था से 850 कंबल बांट चुके हैं। बिजनौर के नुमाइश चौक पर स्थित नंदी स्वीट दुकान पर बड़ा हादसा होने से बच गया। तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुस गया और ट्रक के दुकान में घुसने से लाखों का नुकसान हो गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। दुकान के आसपास से जानकारी मिली कि इस दुकान के पास यह हादसा 3 बार हो चुका है, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस रोड पर मोड़ होने के बाद भी तेजी से चल रहे वाहन पर प्रशासन रोक नहीं लगा पा रही है। रोक नहीं लगी तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तेजी से आ रहा था जी, अब मोड़ है यहाँ पे डाले, बहुत तेजी से आते हुए ये पलट गया। ये समय क्या था जब पलटा है? लगभग 2:30 या 3 बजे। किस चीज का ट्रक था ये? किस चीज का ट्रक था? अच्छा, चालक कहाँ है? चालक यही आसपास में बैठा हुआ है, सब दिखाई दीजिए। दुकान का कितना लगभग नुकसान है? ये नंदी वालों के सामने पलटा, उनकी शटर तोड़ी, मैं समझता हूँ उनका कई लाख रुपए का नुकसान है। फिलहाल यूपी की तमाम खबरों में सिर्फ इतना ही, चलिए रुख करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में देहरादून और हरिद्वार जिले सहित सहारनपुर जिले के फर्जी छात्रों को लेकर छात्रवृत्ति बांटने के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। शैक्षिक सत्र 12-13, 13-14 में हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर में निजी कॉलेजों में फर्जी रूप से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक के छात्रों के दाखिले दिखाकर करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई है। छात्रों ने इसकी शिकायत 2017 में शासन को दी। शिकायत मिलने के बाद शासन ने मामले के एसआईटी से जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई है। जांच के बाद हरिद्वार के थाना सिडकुल में इन निजी कॉलेजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मुकदमे में कॉलेजों के नाम नहीं खोले गए हैं। एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शासन द्वारा छात्रवृत्ति में किए गई अनियमितताओं को लेकर एक जांच एसआईटी की टीम गठित की गई थी, जिसने जांच की थी इस विषय में। जनपद हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जिसके विषय में जांच की गई, उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। कुछ ऐसे छात्र जो शायद उस स्कूल या कॉलेज में नहीं थे उस टाइम पर, परंतु उनके नाम पर छात्रवृत्ति ली गई है, और भी काफ़ी अनियमितताएं हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर एक केस रजिस्टर किया गया है, जिसकी विवेचना अब आगे की जाएगी।
हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में पिछले 40 दिनों से स्वामी आत्माबोधानंद अनशन कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की टीम ने 4 दिन पहले स्वामी आत्माबोधानंद को अनशन से उठाकर ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसके बाद स्वामी आत्माबोधानंद बिना किसी सूचना के एम्स से वापस आ गए और मातृ सदन आश्रम में अपना अनशन जारी रखा, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने डॉक्टरों की मदद से स्वामी आत्माबोधानंद की तत्काल मेडिकल परीक्षण करवाई, जिसमें डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अभी स्वामी की हालत स्थिर है और उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, लिहाजा प्रशासन की टीम को वापस ही लौटना पड़ा। डॉक्टर्स की टीम ने रोज स्वामी आत्माबोधानंद का रूटीन चेकअप करने की बात की। प्रशासन ने 3 दिन पहले उठा 4 दिन पहले जो जबरदस्ती उठा के ले गया एम्स ऋषिकेश, वहाँ संक्रमणकारी परिस्थिति में मुझे रख दिया, जान के टॉर्चर कर दिया, बहुत सारे टॉर्चर कर दिया। और जब ऐसे हालत हॉस्पिटल में हुआ कि अब मैं नहीं एक रात भी नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मैं तुरंत आश्रम वाले को फ़ोन किया, वो लोग मुझे वहाँ आ गया और मुझे वहाँ से लेके यहाँ आ गया आश्रम में कल शाम को। तब मेरा हालत बहुत ख़राब हुई थी जो हॉस्पिटल का जो वहाँ हुआ था, उसके बाद आज जो है मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट भी यही कह रहा है। देखिए, जिला चिकित्सकों के 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप टंडन और डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी, इन दोनों लोगों के द्वारा आज इनकी बृहद जाँच की गई है और जांच में जो प्लेटलेट्स कल 64,000 पाए गए थे वो आज 1,00,000 के करीब बताए गए हैं, पाए गए हैं। और डॉक्टरों ने ऐसी सलाह दी है कि अभी इनको हॉस्पिटलाइजेशन कराने की आवश्यकता आज नहीं है, कल से जो रिपोर्ट्स थी उनसे आज बेहतर रिपोर्ट्स आई हैं, तो डॉक्टरों की सलाह पर आज हमने जो है इनको एडमिट नहीं कराया है, पुनः कल चेकअप किया जाएगा और जैसे ही डॉक्टरों का परामर्श होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। रुड़की क्षेत्र के मोलना गांव में सरकारी भूमि पर ग्रामीणों के अतिक्रमण का सफाया तहसीलदार भगवानपुर ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कराया, जहां पर पुलिस बल भी मौजूद रही। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जब सरकार और प्रशासन ही गरीबों की ओर ध्यान नहीं देगी तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि 1 दिन पहले ही हमें नोटिस दिया गया है, जबकि तहसीलदार भगवानपुर का कहना है कि तालाबों की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को न्यायालय के आदेश पर हटाया गया है, जबकि दूसरी ओर न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए तहसीलदार ने सरकारी भूमि पर बने अवैध मकानों पर धारा 122B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तहसीलदार ने कहा कि ग्रामीणों का आरोप सरासर गलत है, तहसील प्रशासन ने 1 महीने पहले नोटिस दिया था। दूसरी ओर ग्राम प्रधान राम त्यागी ने कहा कि 1-2 दिन का कोई नोटिस नहीं होता, कम से कम 15-20 दिन का समय सरकार को देना चाहिए था। गांव के गरीब लोगों ने बड़े ही मुश्किल से ईंधन तैयार किया था, जिसे तहसील प्रशासन ने नस्ते नाबूद कर दिया है। अब गरीब आदमी ऐसी हालत में कहां जाएगा। और कुछ ये लोगों को मतलब सुविधा देने की बजाय जनता को परेशान करे जा रहा है, जनता यही रहेगी, जब जनता ही सुखी नहीं रहेगी जिस गांव की जिस देश की, तो उसमें प्रशासन या सरकार का क्या फायदा होगा। इस बारे में कल ही सूचना दी गई थी, इससे पहले नहीं कोई सूचना मिली थी। जो दिया कल परसों आए थे वो 1-2 दिन का कोई नोटिस नहीं होता, उन्हें कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। और गांव के गरीब लोग हैं, ऐसे बताओ कहां से मैं अब ईंधन लाओगे, कहां से क्या करेंगे, उनके सब गुस्से वगैरह वो सब फोड़े जा रहे हैं वहां से, तो उन्हें थोड़ा समय और 10-15 दिन का अगर सरकार दे देती तो वो अपना वहां से उठा लेते। और मेरा तो मानना यह है भाई, जगह बहुत जोड़ पर वो जोड़ अपना उन्हें जहाँ तक है उसकी मियाद है उसे साफ कर लेना चाहिए, बाकी है उनके मकान या कोई ये नुकसान उनका नहीं होना चाहिए किसी भी गरीब आदमी का, हम चाहते नहीं नुकसान। भी जोड़ थे आपका, उन जोड़ों से आपका जो अवैध काबिज है उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसी क्रम में आपका हमने आपका पहले जितने भी जोहर थे उनमें आपका चिन्हीकरण की कार्रवाई करी, उसी चिन्हीकरण की कार्रवाई करने के बाद पैमाइश के बाद आपका ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अच्छा, 1 महीने पहले इनको बता दिया गया था आपका, और ग्रामीणों का ये कहना कि आपका हमें बताया नहीं गया, सरासर गलत है। दिव्यांग दिवस के मौके पर विकास नगर पछुआ दून में स्कूल कॉलेज स्वयंसेवी संस्थाओं ने दिव्यांग दिवस पर 4 चांद लगाने की कोशिश की। विकास नगर के बद्रीपुर में भी स्कूली छात्र छात्राओं ने दिव्यांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक विशाल रैली का आयोजन किया। हर साल की तरह दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को विश्व ही नहीं देशभर के कोने कोने में दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया गया, पर आज तक क्या दिव्यांगों के लिए बनी सरकार कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगों तक पहुंच पा रही हैं, ये देखने का भी मौका मिला।
इस दिवस के मौके पर दिव्यांगों का दर्द भी छलका। दिव्यांगों ने कहा कि पेंशन को रोजगार न समझे सरकार। सरकार का दिया हुआ 4% आरक्षण दिव्यांगों के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को पास में लगे उद्योगों में वरीयता के आधार पर परमानेंट रोजगार देना चाहिए, तभी दिव्यांगों का भला हो सकता है। कहेंगे कि जो हमारा जो विकलांग दिवस है, इसे खाली एक सफ़ेद हाथी की तरह मनाया जा रहा है। घोषणाएं बहुत होंगी, आज माननीय मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री, हर राज्य में विकलांगों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की जाएंगी, परंतु धरातल पे उन्हें कोई नहीं उतारा जाएगा। आज जो विकलांगों की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। जी सर, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएँ बनाई जा रही हैं, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। ये धरातल पर इनके लिए कोई मान्यता नहीं। कहीं भी जाओ, मान लो हमें 4% आरक्षण दिया गया है, अगर हम किसी भी स्तर पर जाएं, अगर हम अपने अधिकार की डिमांड करें तो उसे नकार दिया जाता है। मतलब ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है सरकारी योजनाएं, धरातल पर इनका कोई। क्या चाहते हैं आप लोग? तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि दिव्यांगों को पेंशन ना दी जाए, पर लेकिन रोजगार दे दिया जाए, क्योंकि पेंशन से सिर्फ एक वक्त की रोटी मिल सकती है, पर लेकिन रोजगार से वो जिंदगी भर खुद कमा के खा सकता है। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।